دغه वेलकम په تا میږي درولغه د دې پرانا کتي نوټ ولیکه د دې نه هغه خومنګ دا <خر blind> <بس detriment> <restaurii> یو سوال ترجمه بل چ شي بل هیڅ نشته یو دغه یو سوال داز داز د زی ولاسی یو سوال له او د گلزاده شیر بو سیب دوسواله دي مصادري سیرت ده او دویم یې نو د متقدمین چې کم اولنی دور سیندو محدثین دی دا غي تعارف ده بسم الله الرحمن الرحیم دغه یو سوال ترجمی सर जी अख़बार इधर अजहरी से इधर का जिकम्मे इधर यह सवाल लें चाहिए इधर तरजीमा वस्त्र बोल इधर तरजीमा चाहिए डॉक्टर से बात ज़रूरी है आज़रूरी है दाबुलक से बुरुस्त बराबी तो को डॉक्टर से बात ज़रूरी है और हाँ जी हाँ हाँ सोंग सोंग आज़िरे अलग आनु तो आज़िरे हैं चम्मशेर دا درغه دې خالد خالد منصور دي طيب طاهر محمد زكريا مرتضى محمد طاهر دي اسلم دي ساديا بيبي دا محمد زبير نيااب دي زینت بيبي دا عبدلقسيب دي او خالد منصور سي ب اسلم میر سي دي محمد طيب سي دي شمشير شاهيد سي دي صحیح صحیح نو تاسو در یاد زه مونږ کوم یو کې څوک پریږه مخکي دي مخي جون ملکه څ شي پر څنګه څه دې په شي او سبا کو به ورې کړو موږ آخري آخري الفاظ په سره یاد نه دي خود قرآن موهیمن لغه ترجمه او سر جی سر جی محمد طاهر سر جی موږ په قران باندې خبرات ختمه کړو فرقان باندې ختمه کړو غوا نه او جی موهیمن لپس الفرقان باندې هاغه اوس نن ونګا دغه کو نام ان شاء الله موضوع یعنی کو تبديل کر رہے ہیں نزول القران پر کچھ بات کریں گے ٹھیک ہے سر تو نزول القران پر زربات جی رے میرے ساتیو یہ غوژارشه کہ یہ اپنے جو سب میوٹ کریں تاکہ ہم سر کی بات کو اسانی کے ساتھ سن سکیں تو आवाज تو آ رہی ہے نا जी सर आवाज आ रही है लेकिन ये कुछ साथियों के म्यूट नहीं होते ना तो फिर वो शोर मच जाता है उनसे गुजारिश है कि वो भी बंद करें ताकि हम क्लास को अच्छे से साथ सुने ठीक है सही है महमदु व नसल्ली अला करीम व बाद देखो आपको इजाजत है कि सवाल आप درمیان में कर सकते हैं बग़ैर सवाल के अंदर है मेरी ये है कि आप लोग जो है सवालात करते रहे देखो असल में हमने क़ुरान के तारीख़ी नजूल कुरानी मजीद आप जानते हैं कि इस पर हमने बहस की है कि रसोल्ला व्ल्लम ने जब आप पर वही आना शुरू हो गई तो वही शुरू आने से पहले जो वही के इसदाद के मुतालक यानी ज़रा बात ये जेहन में रखे कि चूँकि ये कैसी वही दुनिया में आनी थी जो क़ियामत तक रहने वाली थी नहीं? नहीं। तो जाहिर बात है जो कि जो वही क़्यामत तक रहेगी जो अकाम क़्यामत तक रहेंगे उसके लिए इस्तेदाद चाहिए जिन लोगों में आनी थी उनकी भी जिस शख्स पर आनी थी उस उसकी भी और जिन के लिए आनी थी उनको भी तो देखो अगर हम ये जमाना देखें ना जो पांचवी और छठी सदी का जमाना है तो अगर हम ये कहें कि इसमें इंसानियत अपने रूज को पहुंच गई कामिल हो गई या बालफाज दीकर हम ये भी कह सकते हैं कि बालिग हो गई जो पहले शुरू से इंसानियत आ रही थी उसमें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ कौम में अगर एक कौम जो है वो क्या है रूज पर है तो दूसरे जहनी तौर से जिसमानी तौर से फ़िक्री तौर से ये आ, उस वक़्त आलमियत की दावत नहीं हो सकती थी अब हजरत सलाम को देखे कि उसकी दावत तमाम आलम के लिए हो तो ये उस वक़्त मुमकिन नहीं था कि क्योंकि पूरा आलम इसका उसमें उसका इस्तेदाद नहीं था रसोल्ला वसलम की दावत और क़ुरान की दावत अल्लाह तबारक वारा ने पहले से ही उसके लिए इंतज़ाम फरमा दिए इंसानियत को तक पहुँचाया ताकि आप आलमी बन सके आप आ, आलमी बन सके इस तरह जो अहकामत आपने नाजिल किए हैं वो अहकाम भी आलमी है इस तरह जिस कौम पर यह ना, नाजिल हुआ उस कौम में इसत थी कि वो उसको आलम तक पहुंचाए इस तरह जिस जबान में ये नाजिल हुआ तो उस जबान में ये इस पहले से अल्लाह ने तैयार कर रखी थी कि ये जबान एक ऐसी ज़बान होगी कि जो आलमी ज़बान खिला सकती है देखो असल में हमने तो अभी क्या कर लिया ना वो अंग्रेज़ी को करके आ, आ, इतना आगे कर दिया कि उसको जो है बना दिया लेकिन किसी ज़माने में जैसे जो मुकाम आज अंग्रेज़ी को हासिल है किसी जबान में यही मुकाम आरबी को हासिल था बल्कि लोगों ने अपने अपने जबान तर्क करके अरबी जबान को अपना जबान बना दिया यहाँ तक के दीनी जबान बना दिया अब जो है जितने भी अरब दुनिया दुनिया अरब दुनिया में ईसाई रहते हैं तो उनकी इस्लाम से पहले उनकी जबान लाती थी वो समझते थे या नहीं थे लेकिन वो इबादत लातीनी में करते थे जैसे हम नमाज अरबी में पढ़ते हैं। लेकिन इस्लाम लाने के बाद उन्होंने अरबी शुरू कर दी इस्लाम आने के बाद मिस्र में भी चर्च की जबान अरबी है सूर्या में भी चर्च की अरबी है इस तरह अरबी को मैंने एक खास उस पर रखा उसको तैयार किया गया तो बात यह मैं देखो चाय भी साथ पियोगे आप आप जो है महसूस ना करें चाय आवाज आ रही होगी नहीं आवाज़ आ रही है नहीं जी जी तो चाहे में 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 कर 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 सौर, सर सर दुनिया में जो मुख्तलिफ हैं तो ये जो, जो दुनिया में मुख्तलि हैं तो इसका आगाज कैसा हुआ जो लोग देखो आगाज तो है जी जी अब आजम सलाम की जबान अरबी थी आप अगर हर जबान के असल को देखें ना तो आपको उस उसमें अरबी नजर आएगी आप मिसाल सिर्फ आपको देता हूँ कि आप अगर ये टोपी जबान आज आज कल अफ्रीका में है या साहिली जबान अफ्रीका में है या शुमाली जबान जो अफ्रीका में है अगर आप उसके असल को देखें तो हमारे साथी थे शुमाली वो आपस में बातें करते थे तो कभी कभी मैं कहता कि तुमने ये कह दिया वो कहते रहा क्योंकि वो अरबी के इतने वो अल्फाज इसमें थे इस तरह अगर आप अंग्रेजी को देखे अंग्रेजी का सबसे बड़ा शायद शेक्सपियर है आवाज आ रही है ना आ रही जी शक्ष्पियर शक्ष्पियर जी शेक्सपियर के बारे में आपने पढ़ा होगा या नहीं शेक्सपियर आरबी है उसके दादा परदादा दादा लीबी थे लीबिया के रहने वाले थे वो अस्पानिया गए थे अस्पानिया से फिर जब अस्पानिया पे मुसीबत आई तो वो अरब में नहीं आया वो इंग्लिश इंग्लैंड चले गए तो वो असल भी है और अंग्रेजी का सबसे बड़ा इंसान अगर शायर गुजरा है तो शेक्सपियर तो असल में ये जबान जो है ना ये इसकी बनने के लिए आपको इलम लिसानत पढ़ना होगा कैसे बनी ये माहौल इस इस पर असरअंदाज हुआ एक जबान थी लेकिन वो माहौल मसलन गर्म माहौल से सर्द माहौल में गए वहाँ का जो माहौल है वहाँ का जो जोग्राफी हालत है अब इन इन सब चीज़ों का जबान पर असरात होते हैं तो उसी से इंसानों ने वहाँ जाकर अब कोई मजमू इंसान ने अब इसके लिए वजह ये कि ये चीज़ इसके लिए वजह है ऊपर को हम फोक कहेंगे नीचे को हम तख्त कहेंगे इस तरह दाएँ को हम दाएँ कहेंगे बाएँ को बाएँ कहेंगे इस तरह अल्फाज शुरू हो जाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जबान जो है क्या करती है तरक्की करती है जैसे कि हमारे उर्दू जबान में क्या देखिए उर्दू आज से तीन चार चार पाँच सौ साल पहले बनी बननी शुरू हो गई शुरू शुरू में कुछ फारसी के अल्फाज कुछ तुर्की के अल्फाज कुछ हिंदी के अल्फाज कुछ इनको के अल्फाज वगैरह वगैरह पुष्त के अल्फाजी लेकर उससे एक जबान बनाते गए बनाते गए बनती गई तो ये लासानियात से इसका ताल्लुक है या तो या जैसे कहा जाता है एक बाबी वालम आदमाकल्लास्मा से मुराद वो लेते हैं कि जबान है आदम के अल्लाह तमाम के जो जितनी भी जबान थी उसको आती थी

नहीं असल में मैंने आपसे कहा ना कि एक तो ई लिशानियात में इस पर बात ज्यादा होती है लेकिन आप जो है असल में यह है कि असल में जबान तो हर आदम की एक थी ना लेकिन उ, उनके औलाद वो मु, मु, मुतशर होते गए कोई मगरब गए कोई मशरक गए कोई जुनूब गए कोई शिमाल गए लिहाजा एक दूसरे से दूर होते गए जितना इंसान एक दूसरे से दूर होगा ना तो उसके जबान में फर्क आएगा अब देखो हमारे जो गलगित इलाका है ना बल्तिसान का इसमें बहुत से ज़बानें बोली जाती हैं वजह क्या है वजह यह कि यहाँ के एक इलाके के लोग दूसरे इलाके की तरफ उनका पहुंचना उनसे उनका करीब होना बहुत दूर था बहुत बहुत कम था वजह क्या है एक तो रास्ते नहीं थे जंगलात थे दरम्यान में कभी कभी वो सिंह वगैरह आ जाता है वगैरह तो इनके तालुक अब उसमें कम था जो जो आ, लोग कम हो जहाँ रहते हो किसी इलाके में वो अपने लिए कुछ असलाहत बना लेते हैं तो वो असलाहत बाद में हो, होते होते वो हो क्या है जबान बन जाती है औरों और से तो उसका ताल्लुक होता है कम तो लिहाजा यही हर गांव में आप अगर गगित बल्तिस में जाए तो हर गांव में ए, एक जबान बोली जाती है दूसरी गाँव में दूसरी तीसरी में तीसरी ऐसे इस इलाके में तकरीबन पता नहीं कितने डेढ़ सौ या दो सौ ज़बानें बोली जाती हैं उसमें अक्सरियत आजकल खत्म हो गई चूंकि लोग एक दूसरे से मिल गए जब मिल गए तो जो जबान के बोलने वाले ज्यादा थे वो जो है क्या हो गए वो गालिब आ गई जैसे हमारे हजारा में आप जानते हैं जो मानसिरा इलाका है मानसिरा इसमें स्वाति रहते स्वाति पुश्तून कौम है ये मौजूदा स्वाति जो स्वाति कौम जो सुफजई इन्होंने इनको यहां से भगाया था वहां जाकर चूंकि ये इनको से मिले इनको वालों से मिले अब इनको उनके साथ उनकी रिश्तेदारियां होती रही हो ये होते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इनको बोलते 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 आजकल वो है स्वाति अपने आप को स्वाति कहते हैं उसको पुछ नहीं आती वो, वो इनको बोलता है तो इज्तम हालत से भी एक दूसरे को क्या है मुतासर होकर जबान बदल जाती है या जबाने वजूद में आ जाती है कोई और सवाल

तो उन्होंने जो ये मुस्तरकिन के जो एज़ा था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अल्फाज उठाए हैं उसका फिर रद्द किया है और ये ख़ुद भी चूँकि फ़लसफी रहे थे और बाद में जो है इसकी फ़िक्र की इरता के दौरान ये फिर दुरुस्त हो गया है तो उन्होंने इसमाइल मोहम्मद तहान ने इसी जो है इस्तलालत पे बहुत सख्ती के साथ रद्द किया है यानी हमें कुरान मजीद की हक़ानीत को साबित करने के लिए ऐसी रिवायात और ऐसी इस्तलाल का सहारा क्यों लेना पड़ता है जिसकी वजह से मुस्तरक के यहाँ दरवाजे खुल जाते हैं देखो असल में ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप पर कोई इतराज करे आप उसका जवाब नहीं दे और, एक और का वो आपको तो इतराज का जवाब देना है और इतराजा हो, हो, होंगे तो उसे और जवाब देंगे हर जमाने के लोग पैदा होंगे ऐसे तो नहीं है बात समझ में आ गई नहीं इतरा से तो हम नहीं डरते तो वो डरते हैं जो जो हक पर ना हो या जो इतराज दे ना सकता हो तो के तो के दिन दिन ब बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उन, उन पे भी रही रही है आ रही है आ जी जी सर लेकिन उन्होंने ये किया है ना कि देखिए कुरान करीम के हिफाजत के लिए तो हमारे पास मुस्तनद रवायात मौजूद हैं उन रवायात को हम पेश नजर रखें और उनको हम पेश करें बजाय इसके कि हम कुरान मजीद को कभी जो है अजमे अल्फाज में ले जाएं कभी अरबी में ले जाएं कभी उन रवायात का सहारा लें कि ये आयात भूल गया था बाद में यहाँ जमा किया वहाँ जमा किया इस तरह ये असल ने ये तो देखो ये तरतीब जो उसने जिक्र की है ये बदीवी ने खुद जिक्र नहीं किए ये ख़ान में इसके बाद आपको मिलेंगे जी सर जी सर बिल्कुल ऐसा ही उसने तो खुद अपने तरफ से तो वही उनके इतराजा बनते हैं या नहीं बनते मुस्तर के इस पर उसने बात की है और सर में जाहिर बात है आपका मिसर से एक बड़ा रिश्ता है तो अपने इलम में इजाफे के लिए ये भी मैं गुजारिश करूँगा के इन बारे में मैं रात को पढ़ रहा था ये डॉक्टर अब्दरहन बदवी रह्ला जो दो हजार दो में फोत हो गए कि इन्होंने अपनी मौत से एक महीने पहले या कुछ इस तरह उनसे किसी ने सवाल किया कि जो आपका फलसफा का जो एक दौर रहा है उस हवाले से आपकी क्या राय है तो उन्होंने कहा कि मैं उस पर बहुत पशमा हूँ और अभी जब अल्लाह मुझे सेहत देगी तो मैं यानी इस्लाम मुखालिफिन जो लोग हैं और जितना मैंने इस्लाम के खिलाफ किया था मैं इस्लाम के हक में इतना बोलूँगा लेकिन ज्यादा तो उनके बारे में हम तो क्योंकि नहीं पढ़ सके तो क्या यह हकीकत है कि पहले उनकी फिक्र थोड़ी सी मुंतशिर थी और बाद में फिर वो देखो असल में ये ये तो अलग बात है इसलिए तो मैं ये किताब मैंने बड़ी इस, इस किताब की मुझे बड़ी तलाश थी चूंकि मैं इसके फलसफे से वाकिफ हूँ जी सर सही है इसके इसके ख्याल जो है ये ये बीसवीं या इक्कीसवीं सदी के जो है सबसे बड़े फलासफा में से है और इसके ख्याल कुछ बाज हाँ, इसके कुछ अच्छे नहीं थे लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत दे उसने आखिर में ये किताब लिख दी और आप जैसे आपने पढ़ा है कि उसने क्या किया कि मैं वो अपने पुराने अफकार पर भी क्या करूँगा रद लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसकी इसकी किताब को पढ़ना चाहिए समझ में आ गया या नहीं बिल्कुल क्योंकि आखिरी आपको मालूम है कि आखिरी चीज़ जो है हमारे तो इस्लामी अकीद ये है कि रसुल्लाम का आखिरी अमल ज़्यादा मोतबर है बसबत अल के क्योंकि अवल में भी क्या भी हो सकता है मनसूख नश्क वाक़ हो सकती है वो आखिर में नहीं तो जो बात आखिर में होगी वो ज़्यादा काबिल कबूल होगी आगे सोच में बिल्कुल तो भी मेरा मकसद इस किताब से यह है कि आप लोग ऐसी चीज़ों से वाकिफ हो जाओ जरूरी नहीं कि हम उनसे इतफाक़ करें जी, सर, जी सर, ये भी आप जेहन में रखें कि मैं किसी हर चीज हर हर एक से हर जगह इतफाक नहीं करता किसी से लेकिन ये जो है जरूरी नहीं कि हम इतफाक करें लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसी चीजें पढ़ें मालूम हो कि इस्लाम के खिलाफ क्या अब देखो इसके इसने आपको इसकी तारीख बताई कि कब से शुरू हुई है और इसने इस किताब में ऐसे ऐसे आप सत्रह सौ सोलह सौ के अखबार के टुकड़े इसने पढ़े हैं और उन, उनके क्या नाम दिया हुए जिसने इस्लाम के खिलाफ लिखा है कि मजमून तारीख में शायु हुआ था फलाम में शायद हुआ था फलाम में शायु हुआ था इतनी बड़ी मेहनत इसने की है तो ऐसी मेहनत हम करते हैं अपने आप को जरा देखो हमने कभी मेहनत की हुई किसी चीज के बारे में गए कभी किसी लाइब्रेरी में और दिनों महीने गुजारे हमने तो ये किताब मैंने इसलिए आपको क्या जो है कि दी है ताकि आप इसको तर्जा भी इसका हो जाए बल्कि आप पढ़ लें अकसल असल मकदा मेरा इसका है कि आप पढ़ लें इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके इस हमारे इस्लाम के खिलाफ क्या हो रहा है दुनिया में और हमने खरगोश की तरह कहते हैं वो जैसे आँखें बंद कर किए हुए हैं बस हम बस मुसलमान हैं और बस काफ़ी है हमारे खिलाफ पत्नी क्या क्या हो रहा है आपके इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है आपके खिलाफ हमें मालूम ही नहीं और ये मेरा और आपका फर्ज है कि उनको क्या करे जाहिर करे और उनके पीछे उनको ढूंढे समझ में आ गया है नहीं आ रही ना समझ में हेलो अब हम, आ रही है। अब हम आपको ऐसे कहते हैं कि देखो हजूर पर जब वही आने लगी मैंने आप लोगों से ही कहा ना कि ये इस वही के तकबुल का वही के आ, वही के आने का जैसे अल्लाह तबारक वाले रसुल्लाम को तैयार किया तैयारी का मतलब ये है कि आपको आप में ये सहजाद आ जाए देखो वो उसकी तारीफ में ज़्यादा नहीं जाते लेकिन देखो जैसे सदर आपका हुआ आपको तखली पसंद बना दिया गया क्या आपदा रह कर इस कायनात में गौर फिक्र करें ये सब चीज़ें जुती ना ये इसकी थी, आपके बलो हाशम में क्यों आपको लाया गया इस तरह देखो असल में बात ये ना जो आ, मैं आपको ये बतना बताता हूँ कि जब हजरत कुसई ने दोबारा मक्के का इंतजाम संभाल लिया ना ये मैंने आप लोगों से कहा था या नहीं और कहा है हेलो आ रही आवाज जी आवाज आ रही है जी देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि हजरत कुस्ई ने दोबारा कब्जा करके मक्के पर खुरीश को जमा किया और कुरेश जो ये है ये लकब है हजरत खुश का जो हजूर के अजदाद में से है अब ये चूंकि बलो इसमाइल तो थितर पितर हो गए थे उनको तो बलो खुजा ने मक्के से निकाला था फिर दोबारा हजरत खुसई ने उनको जमा कियात खसई ने सबको यहाँ एक शहरी हुकूमत बनाई शहरी हुकूमत तबकात मुकर कर दिए मुकर कर दिए मुख्तलि किसी को कजा किसी को सफारत सफारतखान सफारतखाना किसी को जो है हज के इंतज़ाम हो क्या 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 ये सब ये सब हजरत फिर आपके औलाद में से अब्दुलमनाफ अब्दुलमनाफ के औलाद में से तो असल में ये जो खास हाशम थे इन्होंने बेनवाी तल्लुक क़ायम कर दिए थे लोगों से रूमा से हबशा से यमन से फारिस से हीरा से सानों से जितने भी उस वक्त के बहरेन से ये ममालिकुमार होते थे छोटे छोटे इनसे उन्होंने तालुक़त कायम किए थे और यही मकसद इसमें क्या था मकसद पन्हा ये तक कि एक दिन आने वाला है और इस दिन का ताल्लुक ये वहाँ तक पहुँचेगा बेकवामीत उसमें होगी तो ये बेनलात का बनना और रसूल वसम का तमाम आलम के लिए पैगम्बर बनना इसका इस्तेदाद अल्लाह ने पहले से इन्हें उसके कुछ इशारात और कुछ उसके लिए कुछ रास्ते हमवार किए थे अब जब आप पर वही नाजिल होने लगी गराम में हम इस बात पर कर रहे हैं गार में जब आप पर वही नाजिल होने लगी आप आपने जो है ये पढ़ा भी है और पढ़ भी रहे हैं कि देखो जो मौजूदा कुरानी मजीद है इसके तरतीब के दो दो किस्म की तरतीब है इसके एक इसकी तरतीबीज जब जब हम इसकी तारीफ करें पढ़ेंगे ना तो एक तो इसकी तरतीबी नजूली है और दूसरी को हम इसको कहते हैं तरतीबी जो आजकल कल तरतीबी रसूली उसको कहते हैं देखो तरतीबी नुजूली का मतलब ये है कि कौन सा पहले नाजिल हुआ है कौन सा बाद में नाजिल हुआ है लेकिन रसुल्लाम ने उसको अल्लाह के हुक्म से तरतीब दिया कि ये अगर जब बाज आयाते बाद में नाजिल हुई या बाज आयात पेर नाजिल हुई जो पहले नाजिल हुई वो बाद में लिखे गए या जो बाद में नाजिल हुई वो, गए, वो पहले लिखे गए इस सब के सब जो तरतीब है ये रसुल्ला वसम की वही से की हुई है ये तरतीबी रसूली जो है ना ये वही की तरतीब है इसी पे उसने बास भी किया है वो किताब जो आप पढ़ रहे हैं उसने बास किया है उस पर तरतीबी नजूल ने ये बयान किया है फला ने ये बयान किया है उससे हमारे गलत गलत इतना नहीं है गरज सिर्फ ये है कि जो मौजूदा कुरान पाक हमारे पास है इसकी तरतीब अलैहि वसल्लम ने दी है ये असल में होता ये था ना कि कुछ सूरत की कुछ आयात नाजिल हो जाती फिर दूसरी सूरत की कुछ आयात नाजिल हो जाती तो आप कातिबीनी वही को बुलाते और उनको जो सूरत नाजिल हो जाता उस सूरत का नाम लिखा देते और उसके नीचे वो उस आयातें भी निकाल लिखा देते दूसरी सूरत नाजिल हो गई उसकी कुछ आयतें नाजिल, नाजिल हुई तो दूसरी सूरत को भी लिख कर उसके नीचे भी वो आयत नाजिल हुई अब जो जो भी हर सूरत के कुछ आइंदा आयत नाजिल होती आप हुक्म देते कि ये फला सूरत के फला आयत के बाद लिखो फला सूरत के बाद लिखो सूरत के पहले लिखो ये तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहते तरतीबी नुजू ये था अब आग कभी कभी ऐसा होता न, ये होता था कि कई कई सूरत एक साथ नाजिल हो जाती कभी एक सूरत कई कई मरतबा क्या होती टुकड़े टुकड़े होकर नाजिल होती तो अब

फिर दूसरी सूरत नाजिल हुई फिर तीसरी सूरत की आयात नाजिल हुई हर एक को आपने तरतीब के साथ सुहाबा को हुक्म दिया कि ये आयात अफलास सूरत के नीचे लिख दो जहाँ पर पहले से लिखा हुआ है और ये आयात अफलास सूरत के नीचे लिख दो ये आयात अफिलाह सूरत के नीचे लिख दो ये हरत आयशर जानो इस हदीस को ये जरा आप वैसे कोई हो तो इस हदीस को बुखारी में